भाई ये है हमारा अगला दिन। अब हम उतरे थे बस यहाँ से, कल रात में ही उतर गए थे। और अभी हालत तो बस इतनी ख़राब है कि बताने लायक नहीं है। पैर संभल नहीं रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। ये कुछ रूम है, टू बेड यहाँ थे, वहाँ थे, भाई पैकिंग कर रहा है। और हम यहाँ हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये यहाँ पे पार्किंग है, ये पूरे होम स्टे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो वहाँ से नदी बह रही है। और हम यहाँ हैं, अभी हम हैं सीतापुर में। और भाई सोनप्रयाग, सोनप्रयाग सीतापुर। हाँ तो कैसा रहा सफ़र? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया सबके साथ। बढ़िया से दर्शन भी हुआ ना? बहुत प्यारा लगा, मज़ा ही आ गया। ऊपर जाके तो मतलब सब थकान खत्म हो गई एक बार में, लेकिन वापस आने में फिर थकान हो गई थी। वापस आने में हालत ख़राब हो गई फिर से। हालत फिर ख़राब हो गई थी जैसे तैसे। रात में करीब 2 बज गए थे हमें नीचे उतरने में, और रूम आके बस तुरंत सो गए थे। थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अब आगे का सीन ऐसा है कि हम सोच रहे हैं यहाँ से निकल के ऋषिकेश या हरिद्वार में रुकेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वापस जाना है घर। थक वैसे ही गए हैं, तो थक से घर पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। तो अभी हमने सब पैक वगैरह किया, टॉप बॉक्स सैडल बैग सब लगाए, और अभी टाइम हो रहा है 11:11, 11:11 इंजन टाइम। और अभी भाई इतने नीचे पे रूम था ना, इतने नीचे पे कि ऊपर आते आते फिर से थकान हो गई। आवाज़ से समझ में आ ही रहा होगा भाई, स्प्लेंडर में। और क्या सीन देखो, आगे के पहाड़ों को देखो, इन नज़ारों को देखो, सब कुछ यही है। ये जो रास्ता है ये हमने नाइट में कवर किया था, पूरा अंधेरे में, हमें भी नहीं पता था यहाँ का व्यू वगैरह कैसा क्या है। यहाँ पे काफ़ी होटल हैं, बहुत सारे हैं, कि यहाँ पे टेंट वगैरह भी हैं। कैंपिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे कैंप वगैरह मिल जाएंगे। रेट मतलब ठीक ही है, उतना ज़्यादा नहीं है। टोटली रश पूरा भाई, रात में तो पता ही नहीं चला था ये सब कब कवर हो गया था। हाँ खैर, रात में तो अब वो गुप्तकाशी से पूरा इन्हीं ऐसी रोड में आए थे, समझ में नहीं आया। लोग अपनी बाइक वगैरह यहाँ धो रहे हैं, यहाँ कितना ऊपर से पानी गिर रहा है। वो देखो भाई, ये दो दो ट्रक पलटे हुए हैं यहाँ पे। वो वहाँ गुफा टाइप की है कुछ केव, और एक ये पलटा हुआ है। ये देखो भाई, लैंडस्लाइड, पूरे के पूरे पेड़ मतलब नीचे ही आ गए। तो पहुंच गए हम सभी के पास, अभी गुप्तकाशी पहुंचे हैं। और भाई हमारा स्प्लेंडर वाला, और भाई आगे MT 15 में है। पीछे अपन स्पीड बढ़ाए ना, तब वो हाथ दे रहे थे, मैं देख लिया। हाँ आ रहा है, उनने बोले चलो चलो। Everything will be alright. It don't matter what we say. It don't matter how we make things right. भाई ने स्प्लेंडर बिल्कुल आगे लगा दी, सबसे आगे। भाई ने बुलेट फेल कर दी, और हम बस धीरे से जा रहे हैं क्योंकि हम डर गए स्प्लेंडर की स्पीड से। भाई अभी रुके हैं इस नदी के पास, जा रहे हैं नीचे, हाथ मुँह धोएंगे क्योंकि सुबह से बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना भी आ रहा है, तो चलते हैं नीचे। Everything will be alright.
और देखते हैं आगे कहाँ पे रुकना है। बाइक वॉश कराना है यार सबसे पहले तो, क्योंकि बाइक बहुत गंदी हो रखी है, चलाने में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा, फ्री नहीं चल रही क्योंकि हर जगह पे मिट्टी मिट्टी पूरे में, तो थोड़ा सा हार्श चल रही है। हाँ वही तो मैं भी वही कह रहा था, रुक जाते हैं, इस साइड जाना अपने को या इस साइड, आए कहाँ से थे अपन को याद भी नहीं है ना, वो छोटा सा लगा रखा। हाँ हाँ इस साइड जाना अपन को, श्रीनगर भी इस साइड, रुद्रप्रयाग भी इस साइड, इधर बना दिया है ना अपन को, वहाँ जाना है, ऋषिकेश का भी इधर ही है। हाँ हाँ तो अभी यहाँ पे रुके हुए थे हम फोटो वगैरह के लिए, क्योंकि कुछ फोटोज इंस्टा के लिए भी लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो भाई अगेन लैंडस्लाइड, ये वाला पत्थर बहुत ही बड़ा है। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग रुद्रप्रयाग, और अभी हमने सोचा है, सभी की राय ली तो सभी बोल रहे हैं कि सीधा दिल्ली ही लगा देते हैं, 300 किलोमीटर करीब बचा है यहाँ से, और तो सोचे कि जितने बजे पहुँचेंगे दिल्ली में ही रुक जाएंगे। तो वो देखो वहाँ पे पहाड़ के पीछे सनसेट हो रहा है, पिंक और येलोइश कलर, कितना गजब लग रहा है, गजब मतलब अल्टीमेट सीन, ये पूरे पहाड़ ग्रीन ग्रीन और वहाँ पे सनसेट होता हुआ। और भाई यहाँ पे ये देखो लैंडस्लाइड हुई, कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। सीधा कर लो अंकल, सीधा कर लो, सीधा कर लो, जाने दो जाने दो, मजे भाई नाइट राइड के। तो भाई यहाँ देखो हम है 84-85 में और स्प्लेंडर है 90-95 में। तो अभी टाइम हो रहा है 1:20 और हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और सामने ही टोल प्लाजा है। यहाँ पे पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे कैसा क्या है बाइक का, पता नहीं एंट्री होती नहीं होती, वैसे तो पीछे बता रहे थे कि यहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं जाके यहाँ पे, लेन लेन में पता चलेगा। इस एक्सप्रेस वे में बाइक्स अलाउड नहीं है, तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपकी बाइक का 24,000 का चालान कट सकता है क्या, कटेगा ही। फिर भी हम बहुत तगड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं एक्सप्रेस वे से, अभी तक करीब 8-10 किलोमीटर हम चल लिए हैं, लेकिन अभी तक एक भी बाइक नहीं नज़र आई हमें। तो भाई जिस चीज़ का डर था वही हुआ, इस एक्सप्रेस वे में बाइक्स अलाउड नहीं है और हम इसी पे थे, इतना बड़ा रिस्क लिए थे और पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उस टाइम कैमरा भी ऑफ था, कुछ शूट नहीं हुआ, और ऐसे सिचुएशन में फिर कुछ सूझा भी नहीं कि कैमरा ऑन कर लें। करीब आधे घंटे उनसे बात किया हमने, आधे घंटे बात करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें जाने दिया, भाई चालान कटने से बच गया, मोटा खर्चा हो जाता, बहुत तगड़ा चालान कट जाता, बच गए हैं और निकल गए यहाँ से जैसे तैसे। अब दिल्ली 16-17 बचा है। The next day. So, अभी टाइम हो रहा है 6:15 में करीब हो रहे होंगे, और हम निकल रहे हैं अभी गोविंदपुरी से, बहुत ट्रैफिक है। एक तो ऐसे भी कल जो रास्ते पे ट्रैकिंग की है वहाँ पे पानी नॉर्मल, वो क्या बोलते हैं, जो पाइप से आता है वो भी भर के पियो तो इतना ठंडा, बिल्कुल चिल्ड पानी, और दूसरा पता नहीं क्या क्या खाए वहाँ पे, अभी सर्दी सा लग रहा है, बहुत तेज गले में, बहुत अजीब लग रहा है। You don't like, 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 you don't like
फाइनली घर पहुंचे हम 3 बजे के अराउंड, और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले पूरा लगेज अपना अनलोड किया, फिर सोचा बाइक वॉश कर लूँ क्योंकि वैसे रात भर ड्राइव किए थे लेकिन नींद आ नहीं रही थी, तो सोचा पहले बाइक वॉश कर लिया जाए, चेन क्लीन कर लिया जाए। और जब मैं बाइक वॉश कर रहा था तो मुझे कुछ मिला, वो आपको अगली क्लिप में दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं। और भाई हम थे 80 की स्पीड में, और ये भाई साहब 180 की स्पीड में आके यहाँ ईसा अंदर गए कि इनकी हाल देखो भाई, बहुत खतरनाक। RIP। सो बाइक वॉश भी हो गई और आपने देख भी लिया। अब जैसा मैंने कहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मेरा मतलब राउंड फिगर पे खर्चा आया वो मैंने एक शीट पे बनाया है, वो आपको दिखाता हूँ, आप देख लेना उस पर। मतलब पहले लाइन पे पेट्रोल का है, सेकंड पे खाना स्नैक्स जो भी था, उसके बाद फिर थर्ड लाइन पे मैंने होटल का लिखा है। वैसे दो जगह रुके ही थे, ज़्यादा कहीं रुके ही नहीं थे, तो होटल का कम ही था, बाकी सबका ज़्यादा था। और पहले ये देखो, फिर आगे मैं बताता हूँ वहाँ का। ये कुछ हमारा टोटल खर्चा आया है, ये करीब इतना है नीचे वाला, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके से आराम से भी पढ़ सकते हो। जुकाम हो गया है बहुत वहाँ की ठंड से, सर्दी खांसी सब कुछ हो गया है बिल्कुल। अभी तो मेरे एडिट करने की भी हिम्मत नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो भाई जितना हो सके आप नीचे से ही, मतलब जहाँ से गौरीकुंड से जहाँ से ट्रैकिंग चालू होती है वहाँ से ही आप अगर अपना स्नैक्स या फिर जो भी आप खाने का रखना चाहो वो रख लो, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे ना वहाँ पे आपको हर चीज़ के डबल रेट पे करना पड़ेगा। मतलब 10 की चीज़ आपको 20 में मिलेगी और 20 की चीज़ 40 में मिलेगी, भले ही वो MRP हो, आपको वहाँ पे डबल रेट ही देना पड़ेगा, जो कि शायद अच्छा नहीं है। अगर आप जा रहे हो, आप बैग वैसे भी कैरी ही करोगे, थोड़ी सी उस पर जगह बना के रख सकते हो। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ हम कुछ आगे बढ़ेंगे और उसके बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो यार सपोर्ट करो, इस पे हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस पे और क्या कर सकते हैं ये भी बताना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, चलो बाय।